मगर योगी ने तो बहुत पैसे दिए, बहुत काम किया है, मोदी जी तो सबसे बड़े विश्व गुरु है ये, और इसमें आप नमक हलाली करनी चाहिए, वो पिक किया मोदी जी ने। और उन्होंने अपने इसमें बोल दिया है कि हम भी मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे फूड पैकेट दिया, ये किया, वो किया, घर दिया ये, और इसमें आप मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता नमक हलाली करेगी, नमक हरामी नहीं करेगी। मुझे ये समझ नहीं आया सर, ये दामोदर दास मोदी का पैसा बांटा क्या? किसका पैसा? क्या बाबा के पिताजी का पैसा है क्या जो यहाँ उत्तर प्रदेश में बांटा? जनता का पैसा, जनता को दिया, आप ट्रस्टी करके बैठे हो ना, तो आप ये नमक हरामी, नमक हलाली, ये बातें, जो भाषा है ये हारने का, पराजित होने का संकेत दे रहे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। उत्तर प्रदेश चुनाव बिल्कुल किनारे पर पहुंच रहा है। इस वक्त तक लोगों को ये अंदाज हो चुका है कि सरकार किसकी बन रही है, क्या कुछ हो रहा है, कितनी तब्दीली होगी नहीं होगी, ये सब काफी हद तक लोग नतीजे तक पहुंच रहे हैं। लेकिन फिंगर्स क्रॉस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, दिल अब भी वहां अटका है कि ईवीएम में गड़बड़ ना हुई तो जरूर सरकार बदलेगी, ऐसी बात कही जा रही है अलग अलग तरीके से। और इसमें हड़बड़ाहट बीजेपी की बिल्कुल बहुत ही गैर मामूली किस्म के बयानात आ रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मतदाता अगर नमक हलाल होंगे तो बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, और वो बहुत काम किए तो नहीं गिनवा सके, लेकिन साथ साथ आत्मनिर्भरता की बात कह रहे हैं। अब भी 7 साल की सरकार के बाद क्या हुआ, लोगों को सब कुछ सामने है। इसके अलावा आज जिस पर हम बात करेंगे वो है यूक्रेन रूस जंग में जो भारत के लोग वहां फंसे हुए हैं, उसमें भारत सरकार क्या कुछ कर रही है। और आज मंडे है, आज हमारी बात हो रही है अविनाश काकड़े साहब से, जो गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के, नागपुर में रहते हैं लेकिन आज बनारस में हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के माहौल में पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जहां कुछ हो रहा है लोगों को कुछ बता भी रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं ये हम जानने के लिए अविनाश काकड़े जी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि आप इस यात्रा पर हैं उत्तर प्रदेश की, अब चूंकि सबसे लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि अब क्या कुछ होने वाला है, सरकार किसकी बनेगी, और इश्यूज पर मैं इसके बाद आऊंगा, प्रधानमंत्री जी के बयान पर मैं इसके बाद आऊंगा। चार फेज में तो हार गई है बीजेपी, पीछे है। पहला फेज जाट बाउल था, दूसरा फेज मुस्लिम बाउल था, तीसरा फेज यादव बाउल था, चौथा फेज ब्राह्मण बाउल था जहां ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिए, पांचवा फेज जो अभी हुआ है उसमें ओबीसी जातियां बहुल थी, अभी छठवें और सातवें फेज में भी ओबीसी जातियां बहुल है। मैं जो यहाँ माहौल देख रहा हूँ, मैं करीबन 4-5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ घूमा हूँ, उसमें माहौल देख रहा हूँ कि जो पिछले वक्त बीजेपी को वोट दिए थे वो अपने निर्णय पर पछता रहे, उनको ये लग रहा है कि गलती हो गई हमसे। वो आज भी मोदी के विरोध में कुछ नहीं बोलते, उतना प्रखरता से नहीं बोलते, मगर योगी के विरोध में बहुत भड़ास निकालते हैं, बहुत ज्यादा तीव्र बोलते हैं कि इसने बेड़ा गर्क किया, बच्चों को मारा पीटा, नौकरी मांगने वाले बच्चों को मारा, अस्थाई करने वाले बच्चों को मारा, अस्थाई नौकरी वालों ने जब सवाल उठाया मारा, सबको मारने पीटने की बात करता है, और ये दोपहर की ठंडी देने की बात करता है, मई और जून के महीने में ठंडक देने की बात करता है, मतलब सबके खून ठंडे करने की बात करता है और सबके प्राण निकालने की बात करता है। तो ये धमकियां जो देता है, ये नपुंसक आदमी है सर। ये पार्लियामेंट में खुद के जान के लिए रोया था, और ये एसपीजी सुरक्षा में, बड़ी सुरक्षा में दूसरों को धमकियां देने का जो काम करते हैं ना, ये नपुंसक के सिवा और कुछ नहीं हो सकते। ये वीर तो है नहीं, माफी वीर है सारे के सारे। इन लोगों ने खुद के आने के बाद, जैसे मोदी जी ने अपनी जाति को ओबीसी में डाल दिया, उसी तरीके से इन्होंने अपने सारे मुकदमे हटवा लिए, सैकड़ों मुकदमे थे ये बाबा पर, और सारे मुकदमे थे, सारे तरीके के क्रिमिनल मुकदमे थे। यहाँ का क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत बुरा है, मतलब
सत्ताधारियों पे भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, विरोधियों पर भी है, इसलिए कोई एक दूसरे के क्रिमिनल रिकॉर्ड पर बात ही नहीं करता, जबकि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि क्रिमिनल के रिकॉर्ड के बारे में चर्चा हो। मगर यह किसी के, यानी जहां मैं दो चार बार जगह गया, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, इनके ऊपर चल रहे हैं मुकदमे, मगर वो लिखते हैं अपने एफिडेविट में जीरो, अपने एफिडेविट में जीरो। तो इसके ऊपर भी कोई आवाज नहीं उठाता। यहाँ बहुत बड़ी खामी है कि यहाँ आरटीआई की जानकारी नहीं लोगों को, यहाँ पर जो लोकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं है। कितने बार पार्लियामेंट में उसने कितने सवाल उठाया, कितने पैसे खर्चा किया, किस तरीके से खर्चा किया, ये इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास में। कॉमन आदमी के पास तो नहीं, नेताओं के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री तय होता है, वहां पॉलिटिकल अशिक्षा का ये माहौल है। हालांकि हर घर में एक दो तीन पॉलिटिशियन है, एक घर में अगर पांच भाई है तो तीन पॉलिटिशियन पक्के है यहाँ। मगर पॉलिटिक्स खाली जातियों की, धर्मों की और उभार वाली पॉलिटिक्स करना है इनको, विकास की पॉलिटिक्स इनको नहीं समझ में आ रही है। ये देश का दुर्भाग्य। तो ये इस वक्त जबकि जिसे कहते हैं ना गोट फंसी हुई है बीजेपी की और जान अटकी हुई है जिसे कहा जा सकता है, और अब कुछ प्रधानमंत्री जी के कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं जिसमें लोगों को एक तरह से गुस्सा भी हो रहा है कि काम कुछ नहीं किया और नमक हराम कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कुछ है जरा थोड़ा सा बताइए। देखो क्या है कि संघी और भाजपा ही, उसकी एक एमएलए है सरिता भदौरिया इटावा से, उन्होंने अपने क्षेत्र में कहा कि मैंने बहुत समय नहीं दिया होगा, कुछ मेरा फंड भी वापस चला गया होगा, मगर योगी ने तो बहुत पैसे दिए, बहुत काम किया है, मोदी जी तो सबसे बड़े विश्व गुरु है ये, और इसमें आप नमक हलाली करनी चाहिए, वो पिक किया मोदी जी ने। और उन्होंने अपने इसमें बोल दिया है कि हम भी मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे फूड पैकेट दिया, ये किया, वो किया, घर दिया, ये, और इसमें आप, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता नमक हलाली करेगी, नमक हरामी नहीं करेगी। मुझे ये समझ नहीं आया सर, ये दामोदर दास मोदी का पैसा बांटा क्या? किसका पैसा? क्या बाबा के पिताजी का पैसा है क्या जो यहाँ उत्तर प्रदेश में बांटा? जनता का पैसा, जनता को दिया, आप ट्रस्टी करके बैठे हो ना, तो आप ये नमक हरामी, नमक हलाली, ये बातें, जो भाषा है ये हारने का, पराजित होने का संकेत दे रहा है। ये संकेत दे रहा है कि चारों तरफ से पिट रहे हैं, चारों तरफ से इनकी ऐसी तैसी हो रही है, इनको मैसेज आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके के जो ये होता है ना आत्मक्लेश, ये आत्मक्लेश की इनकी भाषा है, और उस आत्मक्लेश में ये जैसा चाहिए वैसा बोल रहे हैं। इन्होंने नमक हरामी की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने देश की बैंकें बेचकर, नोटबंदी के वक्त में देश की बैंकें बेचकर पूरा देश की अर्थव्यवस्था खोखली कर दी, जीएसटी में अर्थव्यवस्था खोखली कर दी, हर चीज में इनकी ये अर्थव्यवस्था खोखली करने की, रेल सेल गेल भेल क्या बेचा नहीं इन्होंने, इनके पिताजी का था, किसका था ये? और नहीं नहीं सब वो तो ये कहते हैं कि जो काम 70 साल में नहीं, जो काम 70 साल में नहीं हुआ हम वो कर रहे हैं, ये कहा उन्होंने? हाँ तो 70 साल में ये बेचने का काम नहीं हुआ, भारत के इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, इसमें अकेला प्रधानमंत्री है जिसने सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण कुछ नहीं किया, मात्र बेचने के सिवाय कुछ नहीं किया, ये 70 साल की इनकी उपलब्धि है। 70 साल आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं आप, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। अरे इनको आत्मनिर्भरता और स्वैराचार में समझ में ही नहीं आया फर्क क्या है, ये स्वैराचारी हो गए हैं। इनको लग रहा है कि 303 सीटें मिली मतलब हमको पूछने वाला कोई नहीं है, और हम मरते तक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे और जनता ऐसी मूर्ख बनाते रहेंगे। भावनाओं की राजनीति जो होती है ना कड़ी, वो एक बार उफान पे आती, बार बार कड़ी को उफान नहीं आता। इसी तरीके से इनकी जो भावना की राजनीति है पराकाष्ठा हो गई है, अब वो उस लेवल पर पहुंच गई। और ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इनके सत्ता में आने के पहले किसान आत्मनिर्भर था, मजदूर आत्मनिर्भर था, छोटा व्यापारी आत्मनिर्भर था, सारे मेहनतकश आत्मनिर्भर ही थे, वो कभी किसी को कुछ नहीं मांगते थे, मांगते जो बिना मांगे ही उनको कुछ योजनाएं मिल जाती थी, उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो अपने मेहनत के बल पर बोलते थे कि कोई भी सरकार आए हमें क्या देने वाली है, हमको तो मेहनत करना पड़ेगा, ये बोलने वाले हमारे यहाँ के लोग है। मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना की इल्लीगल बंदी, जो फ्रॉड कोरोना है उसकी इल्लीगल बंदी, अनऑफिशियली तरीके से, मतलब
जिसका आकलन नहीं हो सकता, चार घंटे में सारे शहर बंद कर दिए, वो बंदी से सबको कटोरे से लगा दिया, आत्मनिर्भर भारत को कटोरे से लगाने का, क्योंकि इनको झोला लेके निकलना है तो ये पूरे देश को झोला थमाने की इसमें कटना चक्कर में है। और इन्होंने इस तरीके से जो सारी योजनाएं लाई है उसी तरीके की योजनाएं लाई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में कटोरा थम जाए। और इसका आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा ये है कि सारे देश के नेटवर्क भी आत्मनिर्भर हो गए, सारे देश की पुलिस भी आत्मनिर्भर हो गई, प्रशासन आत्मनिर्भर हो गया, सारा आत्मनिर्भर हो गया। हर एक व्यक्ति अपने मन से कर रहा है, अपने मन से खा रहा है, अपने मन से बोल रहा है, जिसको जैसा चाहिए वैसा बोलता है। इन्होंने बैंकों को भी आत्मनिर्भर कर दिया, कई बैंकें डूबत खाते में चली गई, लाखों करोड़ का लोन इन्होंने डूबत दिया, ये सब आत्मनिर्भरता के लक्षण है। और ये लक्षणों में से क्या हुआ कि मोदी जी के 57 साथियों को 67% धन संपदा इस देश की इन्होंने दे दी। ठीक है, प्रधानमंत्री कहते हैं झोला लेके चले जाएंगे, तो झोला लेके जाने से पहले जो पहले माल आगे बढ़ गया लोगों का, तो कहना कि हो सकता है खुद अपने आप झोला ही लेके जाएं, लेकिन अपने साथियों को जैसे आपने बताया 57 लोगों को 67% देश पूरा दे दिया है, तो वो उस फिर झोले में कुछ और लेके जाने की जरूरत क्या है? किनको? नहीं, झोला पब्लिक के हाथ में देंगे, उन्होंने ये नहीं बोला था झोला उठा के चल दूंगा, तुम्हारे हाथ में झोला दे के जाऊंगा। अब देखिए ना कैसी कैसी करतूत है। ये तड़ीपार शाह बोलता है कि 12वीं के बाद इंटर करवाते, साला अनपढ़ों को सत्ता में बैठाने के जो दुष्परिणाम है वो दिखाई दे रहे। वो एक अनपढ़ शिला को बिहार ले जाता है, गुरु गोविंद सिंह और गोरखनाथ बाबा और कबीर को एक साथ बैठा के कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, दूसरा एक खोज निकालता है इंटरनेट की, जो महाभारत के जमाने में इंटरनेट था, और ये 12वीं के बाद में इंटर करवाता है। ये सब जो गैंग है ना, ये पूरी अनपढ़ गैंग है, इनको कुछ नहीं दिखाई देता, ये बराती संगी घोड़े है, इनको कुछ नहीं समझ में आता, हमको कुछ नहीं पता। वो गब्बर सिंह का एक डायलॉग था ना, ये डायलॉग बोल रहे हैं ये बार बार कि हमको कुछ नहीं पता, इनको सच में सर कुछ। अच्छा, ये जो 12वीं के बाद इंटर वाली बात है, तो ये तो एक 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 बयान आपके यहाँ भी आ गया महाराष्ट्र में, रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, ये बात कही जा रही है। अब तो महाराष्ट्र में अगला क्या प्रोग्राम है, क्योंकि शिवाजी महाराज को कुछ भी हल्का पेश करना, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की अस्मिता जिसे कहते हैं, महाराष्ट्र की खासतौर पर, पूरे देश की बल्कि महाराष्ट्र की, तो इसका क्या मानी है, आखिर कहाँ लेके जाना चाहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज अकेला ऐसा डॉलर है जिसको मोदी जी सरहद पर भी बेचते हैं, जिसको बनारस में भी बेचते हैं। बनारस में उन्होंने बोला था कि जब औरंगजेब पैदा होता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी पैदा होते हैं। उस छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हमारे एक कोशियारी करके बैठे हुए हैं, धोती पहनते हैं, गांवठी धोती छाप जेम्स बॉन्ड बोलते हैं उनको महाराष्ट्र में, धोती छाप जेम्स बॉन्ड है वो गाँव के, और वो उसके अंदर खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमने क्या बोला है उसका मतलब क्या होता है। ये वो महाराष्ट्र है जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों का इतिहास पढ़ के ये बोल दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने वो लिखा था। तो जिस जमाने में नेहरू जी की तूती बोलती थी, उस जमाने में नेहरू जी पर जनता कर्फ्यू जब लगा तो इनके मीटिंग में कोई आने को तैयार नहीं था। उनको जाके रायगढ़ पे माफी मांगनी पड़ी थी। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, जगह जगह पर वो उनको लिखना पड़ा, करवाना पड़ा, छत्रपति महाराज के पुतले भी जगह जगह स्थापित उनको करने पड़े। ये महाराष्ट्र का सेंटीमेंट है, और ये सेंटीमेंट में खेलने का काम हर वक्त ये कुलकर्णी नाम के लोग करते रहते हैं हमारे यहाँ। एक बार क्या हुआ कि एक स्कूल है, वो स्कूल है समर्थ विद्या प्रसारक मंडल का, नगर में, अहमदनगर में स्कूल है, वहां उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला 2007 में। तो वो प्रोसेशन में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को, लंगोटा रामदास जो शादी के मंडप से भाग गया था, वो लोग उनको समर्थ बोलते हैं। समर्थ आदमी इस तरीके से बात नहीं करता, भागता नहीं है, पहले तो शादी तय हो गई होंगी, इसलिए तो मंडप में चढ़ा ना। और हमारे यहाँ उस वक्त वो जिस महिला की शादी से ये भाग गया होगा, हल्दी लग गई लड़की को, उसके बाद में अगर भाग गया कोई दूल्हा या मर गया तो उसको आजन्म ऐसा ही रहना पड़ता था।
तो ये सभी महिलाओं की कदर न करने वाले ये समर्थ नहीं हो सकते, और छत्रपति जैसे समर्थ व्यक्ति को ये लोग कोई ज्ञान नहीं दे सकते। तो इसके बारे में केस दर्ज की, क्योंकि उन्होंने एक प्रोसेशन निकाला था, उसमें एक दृश्य दिखाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज उस रामदास के पैर पड़ रहे लंगोटे के। तो वो पैर पड़ते के बाद वहां पर एक हमारे साथी है संजीव भोर, संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारी थे, उन्होंने रिपोर्ट दिया पुलिस स्टेशन में कि इलीगल है और इनके अगेंस्ट में 295A/34 में गुना दर्ज होना चाहिए। वो गुना दर्ज हो गया। वो गुनाह को क्वैश करने के लिए ये जो है जिनके ऊपर गुना दर्ज हुआ, लक्ष्मीकांत कुलकर्णी, विश्वास भालेरा और दमयंती कुलकर्णी, इनके ऊपर केस दर्ज हुआ। ये क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट गए थे, मुंबई के हाईकोर्ट की जो ब्रेंच है औरंगाबाद, वहां गए थे। और उसमें FIR नंबर था कि I-80/2008 में ये केस दर्ज हुआ था, FIR हुआ था, और उसमें सेक्शन 295A/34 के अंतर्गत ये हुआ था। उसमें ये एक बात हो गई, क्लियर हो गई कि समर्थ रामदास नाम का जो भगोड़ा था उसकी और छत्रपति शिवाजी महाराज की कभी मुलाकात ही नहीं हुई। जब मुलाकात नहीं हुई तो गुरु कैसे बन गया? जिस वक्त ये रामदास आदिल शाह और मुगल शाही की जासूसी करता था तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे मदद करेगा? ये कोर्ट में है, ये सारे सबमिशन कोर्ट में दिए हुए। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की जो रायरेश्वर में कसम ली थी, उसके बाद में उनका राज्याभिषेक हुआ और कई आक्रमण हुए उनके ऊपर, उस वक्त ये रामदास कहाँ था? ये कहीं ये सबमिट नहीं कर सके, मगर इन्होंने करीबन 150 साल ये डिस्कोर्स चलाया कि उसको गुरु स्थापित कर दे। ये उन्होंने सैकड़ों किताबें लिख मारा और हजारों वक्ताओं ने इस तरीके से बात करने का फैसला किया, क्योंकि झूठ बोलने की फैक्ट्री आपको पता है नागपुर में होती है, उसके प्रोडक्ट नागपुर में पैदा होते हैं। तो इन्होंने पूरा झूठ बोल बोल के ये करने का प्रयास किया, मगर संजीव भोर जी ने बहुत उम्दा प्रयास किया और इनके अगेंस्ट में आया कि तुम्हारा FIR क्वैश नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर जो गुना दर्ज किया है ये गुना सही है और आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर की कार्रवाई होगी। और उसके बाद में अभी ये कोशियारी उसी तरीके की हरकत कर रहा है जिसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी झेलनी पड़ेगी। इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी होगा, हाईकोर्ट के मानहानि का मुकदमा भी होगा और इसकी जितनी कुछ हो सकती है निंदा नालस्ती और इसका विरोध, ये सारे पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र करेगा। अच्छा, इस वक्त इनका ये बयान देने की उसका मकसद क्या हो सकता है? इस वक्त क्या कोई सियासी फायदा उठाने का कोई मौका है क्या? क्या इस टाइम क्यों ऐसा कुछ किया इन्होंने? क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। ये हर जगह खुद को साबित करने की बात करते हैं। छत्रपति संभाजी राजे मतलब शिवाजी महाराज के वारिस जो है वो उपोषण पे बैठे, एक दूसरे वारिस को बोरे पर बैठा कर भीख मंगवा दिया था, एक दूसरा वारिस वहां बैठा है मंडप में, क्योंकि मंडप में इसलिए बैठा है कि आरक्षण का मुद्दा छूट जाए। आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार के पाले में है और ये महाराष्ट्र सरकार को थ्रेट कर रहे। तो ये जो आदमी है कोशियारी, ये हर वक्त अपनी सरकार को मतलब बीजेपी और कांग्रेस की सरकार नहीं, राज्यपाल की और राष्ट्रपति की अपनी सरकार होती है, जो भी सरकार होती है, मगर ये अपने सरकार के सारे कारनामे झुठलाना चाहता है। ये उस पद के लायक नहीं है, ये उस पद के लायक नहीं है। ऐसे ऐसे लोग इनके पास में भरे हैं कि जिनको ना तो पद की गरिमा समझती है, ना व्यवस्था की गरिमा समझती है, ना इनको अपने रसूख की गरिमा समझती है, किसी बात की गरिमा नहीं है। गरिमा विहीन, तेज विहीन और अंधे लोग ये RSS की पैदाइश है। इनके सर में दिमाग नहीं, गोबर भरा है। अच्छा, अभी इस वक्त यूक्रेन से भारत के स्टूडेंट्स के आने का एक मसला बड़ा बना हुआ है, वहां जंग है और जंग की हालत यह है कि वहां का राष्ट्रपति सड़कों पे वीडियो बना बना करके पोस्ट कर रहा है, उसका खुद मालूम नहीं है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसी हालत में भारत के इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स वहां पर हैं, उनकी वापसी में, चूंकि ये कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जिसमें चारों तरफ समंदर हो, पड़ोस के मुल्क हैं, उनके रास्ते से लोगों को लाने की बात की जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या इतना स्लो क्यों है, या क्या क्या है इसके पीछे मंशा, सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? ये हमारे राजा बाबू तो नहीं गए ना वहां, राजा बाबू ने बात किया था।
ये एक पिक्चर में थे ना राजा बाबू, हर ड्रेस पहन के फोटो निकालते थे, डॉक्टर इंजीनियर फलाना सोल्जर ये सब। ये तो हमारे राजा बाबू जो विश्व गुरु है उनको पता नहीं है क्या कि वहां 20,000 लड़के फंसे हुए हैं, 20,000 लोग फंसे हुए हैं, अब पता है। 1100 लोग आए तो इनके इनके जो विमानन मंत्री है, उड्डयन मंत्री जाके रिसीव कर रहे हैं। जैसे वो लड़की गुड़गांव से आई थी बिहार तक साइकिल पे लेके बाप को, तो बीजेपी के नेता हार डालने पहुंचे थे, अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, वो लड़की क्या शौर्य करके आई थी कि तुम्हारी क्रौर्य की शिकार हुई थी, तुम्हारे हरामीपन की शिकार हुई थी, ये लड़के तुम्हारे हरामीपन के शिकार है। वहां रोमानिया के सरहद पर यूक्रेन की पुलिस उनको डंडे से पीट रही है, उसके वीडियो आ रहे हैं, रोते हुए वीडियो आ रहे हैं, 56 इंची पेट वाला अपना पेट बजा रहा है, और 112 सेंटीमीटर के ये जो मुंह वाले लोग है RSS, क्योंकि उसके ठीक दुगना है, 56 इंची के ठीक दुगना 112 इंच का, और सेंटीमीटर का जिनका मुंह है वो अपना मुंह फाड़ रहे। अरे भैया वो बच्चे जो फंसे हुए हैं वो तुम्हारे चिन्मय तन्मय हैं, जो मोदी है तो मुमकिन है चिल्लाते, जैसे मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल आए और फिर आपको बीजेपी को वोट दिए, वो चिन्मय तन्मय भी जल्दी लाओ, उसको गंगा मिशन गंगा नाम दे दिया सर, हर चीज राजनीति करते हो। और बच्चे चिल्ला रहे कि 70-80 हजार 1 लाख रुपए टिकट हो गया। प्राइवेटाइजेशन के फायदे देखो, गिना देता हूं मैं आपको, ये प्राइवेटाइजेशन का फायदा है कि अब हमारे पास में एक भी हवाई जहाज नहीं, एक भी एयरपोर्ट नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हम आत्मनिर्भर हो गए, हमारे पास रेल नहीं बचेगी, हमारे पास फ्लाइट नहीं बचेंगे, हमारे पास देश का ऐसा वाहिद एक देश होगा, दुनिया का वाहिद देश होगा जिसके पास में खुद का कुछ नहीं होगा। और ये आत्मनिर्भरता का प्रथम स्टेप है, ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ हमारा कदम है। मोदी जी ने आत्मनिर्भरता में बढ़ा दिए, अब एयरलाइंस वाले लूटेंगे, बच्चे रोएंगे, और इसका सबसे ज्यादा अगर किसी को पड़ेगा तो मोदी भक्तों को ही पड़ेगा, क्योंकि वहां अनपढ़ तो कोई गया नहीं, वहां किसान कोई गया नहीं, वहां मजदूर कोई गया नहीं, जो गए हैं पढ़े लिखे, जो मोदी भक्त है, मोदी है तो मुमकिन है बोलने वाले वहां गए, और अब उनको जूते पड़ रहे। नंबर सबका आएगा, सबका नंबर आएगा, कोई नहीं छूटने वाला सर, एक भी नहीं छूटने वाला। आज हमारी इसकी बारी है, आज हम कल आज चक्की में हम हैं, आप सुपड़े में हो हंस रहे हो, कल आपकी बारी है, आप भी चक्की में आओगे, क्योंकि ये चक्की का मूल मंत्र है 95% लोगों को भिखारी बनाकर आपको इस देश का एक चालकानुवर्ती शासन लगाना है, वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना है। अभी एक किताब मैंने पढ़ा, अभी मेरे ख्याल से आपके पास समय नहीं होगा, नहीं तो शानदार किताब उन्होंने लिखी है RSS वालों ने, कि वर्ण व्यवस्था को कैसे कायम करना है, अर्थव्यवस्था में कैसे संकोचित करके कुछ परसेंटेज लोगों के हाथ में अर्थव्यवस्था को देना है, पॉपुलेशन डिपॉपुलाइजेशन कैसे करना है, ये सारा उन्होंने बहुत सलीके से दिखा है, और ये सारा शुरू हो चुका है 2014 के बाद में, उसी मंत्र पर चल रही है मोदी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर क्योंकि बहुत लंबी बात नहीं हो सकती इसलिए हमारी मजबूरी है, लेकिन आप जिस तरह से जो चीजें बताते हैं वो बहुत ही अहम है, खासतौर पर आपने कहा कि ये मोदी भक्त हैं जो वहां फंसे हुए हैं, सबको इस चक्की में सबको पिसना है, आज किसान है तो कल वो शहरी लोग भी होंगे, बच्चे भी होंगे जो अब यूक्रेन के बॉर्डर पर और यूक्रेन में मेट्रो के बेसमेंट में जाकर के अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जान बचने वाली नहीं है, असल अपना घर पहले ठीक कर लो, अपना देश ठीक कर लो, अपने जो असल में मुझे ऐसा भी लगता है कि असल में ये है कि जो बीबी नहीं संभाल सकता उसके हाथ में देश दे दिया आपने, असल में ये है। हाँ ये बात आपने बहुत अहम कह दी। हमारे उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री के बारे में कुछ ऐसा ही है और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में भी ऐसा कुछ कहा जाता है, लेकिन बहरहाल ये बात तो मानने की है कि इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, आने वाले वक्त में डेमोक्रेसी के नतीजे में क्या कुछ होगा वो हम 10 मार्च को इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ इंतजार ही करना बाकी रह गया, लेकिन नतीजा काफी हद तक काकड़े जी ने बता दिया है। मैं आपको दर्शकों को एक बात बताता हूँ कि आपको भी याद होगा काकड़े जी अब से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में इतने विश्वास से नहीं बताते थे, अब वो चूंकि वहां पर यात्रा में है अब वो विश्वास से बता रहे हैं कि 4 जो अब तक मरहले हुए हैं वोटिंग के
उसमें तो बीजेपी हार चुकी है, यानी रास्ता वही है जिस पर आगे पूरा राज्य बढ़ता जा रहा है। आप बनारस में हैं, बनारस में रहते हुए आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।